फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ यूनिक फाइंड आउट कर रहे हैं तो आज मैं लेकर आया हूं आपको मेरा गांव मेरा देश, जहां पर डे आउटिंग की फैसिलिटीज तो आपको देखने के लिए मिली पाई, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को भी आप फन कर पाएंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये राइट ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पर आपको जिप लाइन देखने के लिए मिल पाएगी, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जिप लाइन देख सकते हैं, कैमल राइड देखने के लिए मिल पाएगी और काफ़ी सारे ट्रैपोलाइंस भी देखने के लिए मिल पाएंगे। खाने की भी बेहतरीन फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिल पाएगी और बोटिंग की फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिल पाएगी। तो यहाँ पर आने के लिए आपको क्या टिकट प्राइस पे करना पड़ेगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, किस तरह का फूड मेन्यू मिलने वाला है, वो सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा गांव मेरा देश में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। रूरल राइड कर सकते हैं, इंडोर गेम्स कर सकते हैं, रूरल एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आप इंजॉय कर सकते हैं, आउटडोर गेम्स की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, कल्चरल एक्टिविटीज़ की तो ढेर सारी रेंज अवेलेबल है और भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। कॉर्पोरेट्स के लिए भी अलग अलग तरह के फंक्शन गेट टुगेदर पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आने के लिए मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो 9:30 से लेकर 5:30 के बीच में आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। ये मेरा गाँव मेरा देश का एंट्री गेट आप देख पा रहे हैं और नहीं आपको पार्किंग देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं अंदर। मेरा गांव मेरा देश फार्म में एंट्री होने के बाद में कुछ इस तरह की आपको पेंटिंग्स देखने के लिए मिलने वाली है और गांव का एक प्रॉपर लुक आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। इस गेट से हम एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ राइड यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये पूरा एरिया एक्टिविटीज़ का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सामने आपको ट्रैम्पोलाइन पार्क देखने के लिए मिलने वाला है और बच्चे काफ़ी इसमें इंजॉय कर रहे हैं। तो ये ट्रैम्पोलाइन पार्क है और ट्रैम्पोलाइन के आगे भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। दो ट्रैम्पोलाइन इस साइड में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जिसमें बच्चे काफ़ी फन कर रहे हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। इस तरह का भालूस देखने के लिए मिलने वाला है। ये सारा जो एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ का एक्टिविटीज़ का एरिया देखने के लिए मिलने वाला है। आगे की साइड में भी अलग अलग एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। तो अभी 10:30 हो चुके हैं और 10:30 पर मेरा गांव मेरा देश में ब्रेकफास्ट टाइम हो जाता है स्टार्ट। ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ का ब्रेकफास्ट टाइम का एरिया है और 10:30 पर आप अलग अलग तरह का ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे आपको पिकल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, फिर आपको आलू टमाटो की सब्जी देखने के लिए मिल पाएगी, उससे आगे जाएंगे तो पूरी आप ले सकते हैं। आलू टमाटो और पूरी की सब्जी का कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतरीन होता है। उसके बाद में आपको पोहा देखने के लिए मिल पाएगा, मटर वगैरह डालकर इन्होंने पोहा बनाया हुआ है तो पोहा भी आपको टेस्टी और बेहतरीन देखने के लिए मिल पाएगा। इसमें आपको चाउमीन देखने के लिए मिल पाएंगी और आपको फिर स्टफ्ड पराठा वगैरह देखने के लिए मिल पाएगा, फिर आपको दही देखने के लिए मिल पाएगी। तो ये सारी वैरायटीज़ आपको ब्रेकफास्ट टाइम में देखने के लिए मिलने वाली है और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर भी खा रहे हैं बच्चे और आगे की साइड में आप देखेंगे ना तो यहाँ पर भी इंजॉय कर रहे हैं। तो वैरायटीज़ बहुत सारी आपको देखने के लिए मिल पाएंगी। ये पूरा जो एरिया देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ का एरिया आपको देखने के लिए मिल पा रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में आप इन सभी एक्टिविटीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टायर झूला देखने के लिए मिल पाएगा और काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे इस टायर झूले को एंजॉय कर रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप। उसके सामने आपको स्कूटर राइड देखने के लिए मिल पाएगी और पुराने टाइप का ये स्कूटर बनाया हुआ है तो इसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इस साइड में आप देखेंगे तो आपको ट्रैम्पोलाइंस देखने के लिए मिल पाएंगे और अलग तरह की एक्टिविटीज़ का एरिया आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पाएगा। अगर आप भी मेरा गांव मेरा देश आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो काफ़ी बेस्ट ऑफर्स आपको DRS डील के थ्रू मिलने वाले हैं। 1200 रुपये की टिकट आपको 799 रुपीज़ की पड़ने वाली है, इट मीन्स 400 रुपये का सीधा प्रॉफिट आप DRS डील के थ्रू टिकट लेते हैं आप पा सकते हैं। और DRS डील ना केवल वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क और काफ़ी सारे फार्म में डील करते हैं, इनफैक्ट दिल्ली NCR के मोस्ट ऑफ द फार्म इनके पास इंक्लूडेड है। तो काफ़ी सारे ऑफर्स की फैसिलिटीज़ तो आपको मिलेंगी और आसानी से आप टिकट्स ले पाएंगे। DRS डील काफ़ी सारे फार्म पर ऑफर्स लेकर आए हैं। मेरा गाँव मेरा देश जो कि 1200 का पड़ने वाला है, 799 रुपीज़ का आपको टिकट मिलने वाला है। यदुवंशी फार्म 1200 रुपये का टिकट आपको 849 रुपीज़ का मिलने वाला है। और अगर आप माधवगढ़ फार्म घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पर 1250 का टिकट आपको 699 रुपीज़ का पड़ने वाला है। जयगांव फार्म पर भी काफ़ी सारे ऑफर्स अवेलेबल हैं और 1299 रुपये का टिकट आपको 849 रुपीज़ का पड़ने वाला है। साथ में सूरजगढ़ फार्म अगर आप आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां पर 1350 रुपये का टिकट आपको केवल 849 रुपीज़ का पड़ने वाला है। इसी तरह दिल्ली NCR के सबसे फेमस फार्मों से में से एक रंगमंच फार्म पर भी काफ़ी सारे ऑफर्स की रेंज अवेलेबल है। ये सारे ऑफर्स आपको DRS डील के थ्रू मिलने वाले हैं।
मेरा गांव मेरा देश के अंदर अभी हम आ चुके हैं रूरल राइड के अंदर में, और काफ़ी सारी राइड अवेलेबल है यहाँ पर। आपको इस तरह की अलग अलग तरह की राइड देखने के लिए मिल पाएंगी, जहाँ पर आपको नेट के थ्रू ऊपर चढ़ेंगे और काफ़ी फन कर पाएंगे। इस तरह की छोटी छोटी राइड भी अवेलेबल है। जाइट व्हील आपको देखने के लिए मिलने वाला है, वो भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और यहाँ पर आपको कोलंबस राइड भी देखने के लिए मिलने वाली है, चल रही है कोलंबस राइड, जिसमें काफ़ी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और ढेर सारी मस्ती कर रहे हैं। कोलंबस राइड चल रही है यहाँ पर, और कोलंबस राइड के साथ में आपको ट्रेन राइड, छोटी छोटी और भी राइड देखने के लिए मिलने वाली हैं। ये वाली राइड भी काफ़ी मज़ेदार है, और ये सामने आपको कैफ़े रेस्टोरेंट भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो पूरा जो एरिया आपको देखने के लिए मिल पा रहा है यहाँ पर, अलग अलग मल्टीपल राइड को आप इन्जॉय कर पाएंगे। बट सबसे बेहतरीन राइड आपको जाइंट व्हील देखने के लिए मिलने वाला है। जाइंट व्हील के साथ में आपको इस तरह की छोटी छोटी राइड भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको इस तरह के एनिमल्स वगैरह देखने के लिए मिल पाएंगे, और एनिमल्स के साथ में ट्रेन राइड भी देखने के लिए मिल पाएगी। तो ये चल रही है यहाँ पर ट्रेन राइड, और इस ट्रेन राइड को भी आप इन्जॉय कर पाएंगे। छोटी छोटी ट्रेन राइड चल रही है यहाँ पर, इनको भी बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं। ये चल पड़ी देखो ट्रेन राइड, तो इस तरह की राइड भी अवेलेबल है। इस तरह की इन्होंने पटरी बना रखी है, और गोल गोल घूमते हुए इस ट्रेन राइड को आप इन्जॉय कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बसंती का तांगा भी देखने के लिए मिल पाएगा। बुल राइड जैसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। कैमल राइड भी कर सकते हैं आप यहाँ पर आकर, ये सामने कैमल राइड को भी इन्जॉय कर सकते हैं। और इस साइड में यहाँ पर होने वाली है जिप लाइन, तो जिप लाइन भी यहाँ की काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। और यहाँ पर ये जो एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, ये बनाया हुआ है पानी का एरिया, इट मीन्स ये गोल गोल ऐसे घूमेगा, और घूमने के बाद बच्चे ऐसे को देखो सामने घुमा पा रहे हैं, और फिर वहाँ से पानी निकलता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। सामने की साइड में देखेंगे तो आपको चिड़ियाघर देखने के लिए मिल पाएगा, ट्रैक्टर राइड देखने के लिए मिल पाएगी, और इस साइड में भी काफ़ी अलग अलग तरह की बोटिंग वगैरह की राइड अवेलेबल है। तो काफ़ी बड़ा एरिया आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पाएगा, जिनमें इन सभी राइडों को आप इन्जॉय कर पाएंगे। तो सारी राइड दिखाते हैं, अभी इस साइड में चलते हैं। और इस साइड में मेरा गांव मेरा देश में चल रही है बोटिंग वगैरह की एक्टिविटीज़, और ब्रिज के ऊपर चलने के बाद में आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलने वाली हैं। ये सारा जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। इस साइड में ऊपर देखेंगे तो आपको जिप लाइन देखने के लिए मिल पाएगी, और जिप लाइन के लिए बच्चे यहाँ से बेल्ट वगैरह बांध रहे हैं, ये बांध रहे हैं बेल्ट वगैरह, और बेल्ट वगैरह बांधने के बाद में फिर जिप लाइन कर पाएंगे। एक बच्चा ये आ रहा है जिप लाइन करते हुए, तो इस तरह की जिप लाइन की एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इन सभी एक्टिविटीज़ में। यहाँ पर आपको बोटिंग्स की फैसिलिटी भी देखने के लिए मिल पाएगी, और काफ़ी बड़ा ये पूल इन्होंने बना हुआ है चौड़ा सा, इसमें यहाँ एक बोट यहाँ पर खड़ी हुई है, और एक बोटिंग की फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। इस तरह का ब्रिज भी बना रखा है, ब्रिज है, तो ब्रिज के ऊपर चलेंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इस साइड में आप देखेंगे तो काफ़ी सारी अलग अलग तरह की जो राइड है वो भी अवेलेबल है। इस मीन्स आपके 4 से 5 घंटे कब भी जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और छोटे छोटे बच्चे बड़े काफ़ी इसमें इन एक्टिविटीज़ में इन्जॉय कर पाएंगे। ये सामने देख पा रहे हैं इस तरह की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है, और छोटे बच्चे इन एक्टिविटीज़ में काफ़ी मज़ा करने वाले हैं। लकड़ी के इन्होंने गुटकेस बना रखे हैं, और इन गुटकोस पर छोटे छोटे बच्चे पैर रखते हैं, और काफ़ी फन आने वाला है इस तरह की एक्टिविटीज़ में। तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, और पूरा जो एक जोन बना हुआ है इन्होंने, यहाँ पर इन सभी एक्टिविटीज़ को आप मज़ा कर सकते हैं। पूरा काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटीज़ मेरे गांव मेरे देश में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो काफ़ी बड़े एरिया पे ये सब एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। देख पा रहे हैं सारा अलग तरह की एक्टिविटीज़ का एरिया बना हुआ है, और इन एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी मज़ा करने वाले हैं। ये पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से आप जाएंगे तो ये जिप लाइन चल रही है इस साइड में, और ये ब्रिज पर चलेंगे। इस तरह के ब्रिज पर आपको चलना पड़ेगा, चलने के बाद में फिर वाटर को क्रॉस करेंगे। तो इस वाली एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। पीछे की साइड में आप देख पा रहे हैं तो डक्स भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। आप यहाँ पर आकर ट्यूबवेल बात मड बात भी कर सकते हैं। ये देखो ये प्लानी चल रही है ऊपर की साइड में, और काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटीज़ ये भी होने वाली है। तो एक थ्रिल वाली और अल्टीमेट मज़ेदार वाली एक्टिविटीज़ ये सभी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एक्टिविटीज़ तो काफ़ी सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर वेलकम ड्रिंक देखने के लिए मिलने वाला है, और वेलकम ड्रिंक में आपको इस तरह के पकौड़ेस देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कंटिन्यूस पूरे दिन आपको खाने के लिए मिलने वाले हैं, लंच और स्नैक्स के अलावा। तो पकौड़ेस गर्मा गर्म आप खा सकते हैं। पकौड़ेस के साथ में आपको जलेबी देखने के लिए मिलने वाली है। देखो कितनी बेहतरीन जलेबी बना रखी है, तो जलेबीस वगैरह ले सकते हैं। जलेबी के साथ में आप छाछ वगैरह ले सकते हैं, छाछ भी यहाँ पर अवेलेबल है। और नींबू पानी के शौकीन यहाँ पर नींबू पानी वगैरह को भी ले सकते हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है, और ये कंटिन्यूस पूरे दिन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये जो फूड की जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ से आप ये सब चीज़ों को ले सकते हैं, और एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी यहाँ पर अवेलेबल है। पूरा जो एक्टिविटीज़ का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है, तो अभी इस एक्टिविटीज़ के एरिया में चलते हैं। और
मेरा गांव मेरा देश का ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है और काफ़ी बच्चे इस एरिया को पसंद करते हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप इस तरह के नेट्स पर इस बच्चे काफ़ी चढ़ते हैं और मज़ा करते हैं, ऊपर की तरफ साइड तक चढ़ेंगे और काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटीज़ ये भी आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। ऊपर की साइड तक चढ़ेंगे और फिर इस नेट के थ्रू आप इस साइड तक जाएंगे और फिर नीचे की साइड पर जाएंगे, तो ये एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। नेट और टायर वाली एक्टिविटीज़ को आप इन्जॉय कर सकते हैं, एक छोटी लड़की भी चढ़ रही है, तो ये सभी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली हैं। जाइंट व्हील आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है और इस जाइंट व्हील में भी काफ़ी आप फन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इस साइड में आप देखेंगे तो आपको कोलंबस राइड देखने के लिए मिलने वाली है, बट अभी बच्चे इस वाली एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं। और नीचे की साइड में आएंगे ना आप तो काफ़ी मज़ेदार ये भी एक्सपीरियंस छोटे छोटे बच्चों को देखने के लिए मिलने वाला है। इन्होंने क्या है ना टायर्स बना रखे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे टायर्स बना रखे हैं और उनसे जब बच्चे उतरते हैं तो एक यूनिक सा एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। देखो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं इस तरह से और काफ़ी मज़ेदार ये सब एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ ये बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, देखो नीचे की साइड में आ रहे हैं। हेलो तो भाई ये वाली एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं और ये टायर्स वाली एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल हैं, तो ये टायर्स वाली एक्टिविटीज़ को भी आप फन कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार होती हैं। इन एक्टिविटीज़ के साथ में आपको कोलंबस राइड यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है और ये चल रही है यहाँ पर कोलंबस राइड, तो इस राइड को भी आप इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कोलंबस राइड चल रही है, कोलंबस राइड के साथ में आपको झूला मस्ती ये देखने के लिए मिलने वाली है, जहाँ पर काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं आप। सामने की साइड में आप देखेंगे तो आपको कैफ़े रेस्टोरेंट देखने के लिए मिल पाएगा और ये छोटी छोटी राइड मड हाउस वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो काफ़ी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। ट्रेन राइड को भी आप यहाँ पर आकर इन्जॉय कर सकते हैं और बच्चों के लिए एक क्वालिटी टाइम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आपको कैमल राइड भी देखने के लिए मिल पा रही है, तो कैमल राइड को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। कैमल राइड यहाँ पर अवेलेबल है और कैमल राइड के साथ में आपको जाइंट व्हील देख पा रहे हैं, तो ये इस यहाँ की काफ़ी बड़ी शान है और इसमें ऐसे गोल गोल घूमेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस तरह की छोटी छोटी राइड भी अवेलेबल है और उन सभी राइड को भी आप इंजॉय कर पाएंगे। ये वाली देख पा रहे हैं, ये वाली एक्टिविटीज़ भी काफ़ी मज़ेदार है और इसको पैसे चलाएंगे तो यहाँ से पानी निकलेगा, तो एक यूनिक सा एक्सपीरियंस अभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। इस साइड में सामने देखेंगे तो आपको चौपाल देखने के लिए मिलने वाली है और जू भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। जू के साथ में आपको ट्रैक्टर राइड देखने के लिए मिलने वाली है। ऊपर की साइड भी चल रही है जिपलाइन, तो जिपलाइन की एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकते हैं और इस यहाँ से जाएंगे तो आपको बोटिंग की एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिल पाएगी। सामने आप एरिया देख पा रहे हैं, यहाँ पर बोटिंग वगैरह कर सकते हैं आप। बोटिंग के साथ में जिपलाइन की एक्टिविटीज़ भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, तो जिपलाइन करने के लिए आपको ये देख पा रहे हैं इस तरह से बेल्ट वगैरह पहननी पड़ेगी। ये बेल्ट वगैरह पहनने के बाद में फिर आप जिपलाइन की जो एक्टिविटीज़ है उसको कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर चल रही है जिपलाइन और ये पूरा रोप कोर्स का जो एरिया है ये आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं और इन सभी एक्टिविटीज़ में आप फन कर सकते हैं। ऊपर की साइड में आप देखेंगे ना तो यहाँ पर चल रही है जिपलाइन की एक्टिविटीज़ और ये जिपलाइन की एक्टिविटीज़ काफ़ी मज़ेदार होती है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी फन करने वाले हैं। यहाँ पर जिपलाइन एंड हो रही है और उस पॉइंट पर जाएंगे, वहाँ से जिपलाइन की एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती है। ये काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने बनाया हुआ है और इस एरिया में अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अभी चलते हैं सामने की साइड में और एक ब्रिज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। इस ब्रिज में ऐसे आप चलेंगे और काफ़ी इंजॉय कर पाएंगे। काफ़ी सारी डक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो एक यूनिक सा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। ये देख पा रहे हैं डक्स वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। इस ब्रिज के थ्रू आप चलेंगे पानी के और मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। ये पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हैं एक्टिविटीज़ का और रोप कोर्स का एरिया देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ में फन कर रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने इंजॉय कर ली हैं और अभी अप्रोक्स 2 बज चुके हैं, तो 2 बजे यहाँ पर लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो लंच में क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या फूड की वैराइटीज़ आपको देखने के लिए मिल पाएंगी। अब आप मैं कैमरा सामने दिखाऊंगा तो सामने के बाद मेरा गाँव मेरा देश रुकने की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर ही देखने के लिए मिल पाएगी। यहाँ पर फूड वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं और अंदर की साइड में भी फूड की फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिल पाएगी। ये सारा बैठने का अरेंजमेंट बनाया हुआ, काफ़ी ज़्यादा क्राउड आपको देखने के लिए मिल पा रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सैलड्स वगैरह ले सकते हैं आप। सैलड्स के बाद में आप जाएंगे तो आपको रायता देखने के लिए मिल पाएगा, बूंदी रायता आप टेस्ट कर सकते हैं। बूंदी रायता के बाद में आपको राइस देखने के लिए मिल पाएगा, ये आप देख पा रहे हैं, तो ये राइस की वैराइटीज़ आपको देखने के लिए मिल पाएगी। फिर आप जाएंगे तो आपको
मटर पनीर की सब्ज़ी देखने के लिए मिल पाएगी। ये मटर पनीर आप देख पा रहे हैं, मटर पनीर को आप टेस्ट कर सकते हैं। फिर आपके बाद में इसके बाद में नेक्स्ट आएगा कढ़ी पकौड़ा, तो कढ़ी पकौड़ा का आप टेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर आप आएंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है राजमा, तो राजमे को आप टेस्ट कर सकते हैं। राजमे की वैरायटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है और ये भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। राजमे के बाद में आप जाएंगे तो आपको नान वगैरह देखने के लिए मिल पाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं नान मिल पाएंगे आपको, गर्मा गर्म नान को टेस्ट कर सकते हैं आप। ये देख पा रहे हैं ये नान की वैरायटीज़ है और राजमा ये गर्मा गर्म आपको सर्व किया जाएगा, तो मज़ेदार फूड की वैरायटीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। इससे आगे जाएंगे तो आपको हलवा देखने के लिए मिल पाएगा, ये हलवा स्वीट डिश में आपको देखने के लिए मिल पाएगा। तो ये इन्होंने लगा रखा है बुफे, ये सब वैरायटीज़ फूड की आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पाएंगी और इन सब वैरायटीज़ को फूड की आप इंजॉय कर पाएंगे। काफ़ी मज़ेदार यहाँ का डिलीशियस और फूड होने वाला है। उसके बाद में फिर बाहर की साइड में आप जाएंगे तो बच्चे एक्टिविटीज़ को इंजॉय कर पाएंगे और ये पूरा एक्टिविटीज़ का और इस रुकने का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस साइड में चलते हैं और बच्चे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंजॉय करते हैं यहाँ की। यहाँ पर काफ़ी सारी इंडोर गेम्स की एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल हैं। सामने देख पा रहे हैं आप गेम जोन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर चेस खेल सकते हैं, आपको कैरम खेल सकते हैं, स्नेक लैडर जैसी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलने वाली हैं और कैरम बोर्ड खेल सामने देख पा रहे हैं। तो ये सारा जो एरिया आप देख पा रहे हैं अलग अलग इंडोर गेम्स की एक्टिविटीज़ का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर शतरंज वगैरह भी खेल सकते हैं आप और इस तरह से बैठने की इन्होंने जगह बनाई हुई है जिसमें इन सभी एक्टिविटीज़ को काफ़ी फन कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया आपको इंडोर गेम्स में भी देखने के लिए मिलने वाला है। इंडोर गेम्स की सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है और इन सभी इंडोर गेम्स को आप यहाँ पर आकर मजे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग सिंपल खाने के शौकीन हैं, यहाँ पर आपको चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी भी देखने के लिए मिलने वाली है। बाजरे की और मक्के की रोटी आप खा सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं आप इस तरह का वाइट मक्खन के साथ में बाजरे की रोटी, सरसों का साग और लाल चटनी के साथ में आपको इस तरह का देसी और डिलीशियस फूड देखने के लिए मिलने वाला है। तो टेस्ट करते हैं फिलहाल और भैया ने भी ले लिया यहाँ पर, तो ये देख पा रहे हैं आप इस तरह की टेस्टी डिलीशियस फूड ले सकते हैं। चूल्हा चल रहा है सामने और आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं इस तरह की रोटी वगैरह को। गर्मा गर्म रोटी बन रही है यहाँ पर और हम इसी को खाने वाले हैं यहाँ पर। अभी हमने आगे जिप लाइन कर ली है कम्प्लीट और जिप लाइन करने के बाद काफ़ी मज़ा आया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप भी मेरा गाँव मेरा देश में अगर कर सकते हैं और नई नई राइड यहाँ पर बन रही हैं तो मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। फिलहाल और भी सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं। तो भाई मेरा गांव मेरा देश में जिपलाइन हम स्टार्ट करने वाले हैं और जिपलाइन यहाँ की काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। यहाँ से पूरा जो ओवरव्यू है वो ही दिखाई दे पा रहा है। सामने देखेंगे तो आपको एक पूल दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको बोटिंग्स वगैरह की फैसिलिटीज मिलने वाली है और इस ब्रिज के थ्रू भी काफ़ी सारे बच्चे चल के आते हैं। तो भाई जिपलाइन हो चुकी है हमारी स्टार्ट। सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको काफ़ी यूनिक सी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। घूमने वाली झोपड़ी देख पा रहे हैं और मेरा गांव मेरा देश में काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ऊपर की साइड में जाएंगे और ये झोपड़ी घूमने वाली है, बैठेंगे आप, बैठने के बाद ये झोपड़ी घूमेंगी। तो इस तरह की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है जहाँ पर घूमने वाली झोंपड़ी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और इस साइड में देखेंगे ना अलग अलग तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पर आकर परफॉर्म कर सकते हैं। पूरा एरिया कल्चरल एक्टिविटीज़ का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इन सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस तरह के ट्रैक्टर्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। सामने लिखा हुआ मेरा गांव मेरा देश रेड और ग्रीन कलर में बना हुआ है। तो इस तरह के यूनिक सी चीज़ें सेल्फीज़ वगैरह फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए आपको देखने के लिए मिलने वाली है। फिलहाल इस साइड में चलते हैं और इस साइड में आपको साइकिल्स देखने के लिए मिल पाएगी जो कि काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो ये साइकिल्स की वैराइटीज़ भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ये है साइकिल यहाँ पर और दूधिया का ड्रम यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल पाएगा। तो काफ़ी बड़े टायर्स भी आपको देखने के लिए मिल पा रहे हैं, दो टायर एक पीछे की साइड में और एक आगे की साइड में। तो ये दो टायर्स हैं और इस तरह के यूनिक से टायर्स साइकिल वाले भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। फिलहाल निशानेबाजी की भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। सामने लिखा हुआ है गोली चलाओ और ये बोटल्स वगैरह लगी हुई है, इन पर आपको टारगेट पे निशाना लगाना पड़ेगा। तो ये गोली चलाओ की एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। उससे आगे की जो एक्टिविटीज़ आप देख पा रहे हैं बोतल गुलेल गेम, और ये यहाँ से गुलेल लेने के बाद इन टारगेट्स पर निशाना लगाना पड़ता है। तो ये बोतल गुलेल गेम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इससे आगे जाएंगे आपको तो डॉट गेम्स की एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है
और ये हार्ट बना हुआ है, दिल बना हुआ है, तो इस पर आपको निशाना लगाना पड़ेगा। इससे आगे जाएंगे तो बास्केट बॉल आपको देखने के लिए मिलने वाली है। बास्केट बॉल में आपको ड्रॉप करना वाला पड़ेगा बॉल्स को, और इससे आगे आप फिर जाएंगे तो आपको डॉट बोर्ड गेम की एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं और इन सभी एक्टिविटीज़ को काफ़ी फ़न कर पाएंगे। मटका गेम भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है, ये पूरा एरिया देख पा रहे हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ को आप यहाँ पर आकर फ़न कर सकते हैं। वन थर्टी हो चुके हैं अभी, और 1:30 पर काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर फूड की एक्टिविटीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आप, अलग तरह का टेस्टी और डिलीशियस फूड इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फूड कोर्ट का एरिया देखने के लिए मिलने वाला है। और मैं फूड की वैराइटीज़ की बात करूँ तो फूड आपको यहाँ पर यहाँ से प्लेट्स वगैरह ले पाएंगे। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं प्लेट्स वगैरह लेने के लिए, यहाँ से आप प्लेट्स वगैरह ले पाएंगे और यहाँ पर सैलड्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पाएंगे। देन फिर आप आगे जाएंगे तो इसके आगे आपको ये रायता वगैरह देखने के लिए मिल पाएगा, रायता ले सकते हैं। रायते के बाद में आपको राइस देखने के लिए मिलने वाला है। राइस के बाद में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये वाली सब्ज़ी भी देखने के लिए मिलने वाली है, जिसका नाम है मटर पनीर की सब्ज़ी देखने के लिए मिलने वाली है, और ये भी काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस आपको देखने के लिए मिलने वाली है। फिर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कढ़ी पकौड़ा देखने के लिए मिलने वाला है। ये है कढ़ी पकौड़ा, कढ़ी पकौड़ा ये क्या भैया? ये राजमा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है, राजमा को भी आप टेस्ट कर सकते हैं। राजमा के बाद में आपको यहाँ पर पूरी देखने के लिए मिलने वाली है, और पूरी को भी आप ले सकते हैं। पूरी के बाद में आपको नान देखने के लिए मिलने वाले हैं, और नान के बाद में आपको स्वीट डिश में हलवा देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये सारी जो वैराइटीज़ आप देख पा रहे हैं फूड की यहाँ पर अवेलेबल है, और इन सब फूड की वैराइटीज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी इस तरह की जो वैराइटीज़ है फूड की इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हम भी फूड लेते हैं अपना और फूड को इंजॉय कर सकते हैं। स्कूल के साथ में पेरेंट्स भी आए हुए हैं और बच्चे भी आए हुए हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ फूड की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और बच्चे देखो अपना अपना फूड फिनिश कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, तो ये सब एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहा है। यहाँ पर आपको सांस्कृतिक डांस, हरियाणवी म्यूजिक और अलग अलग तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलने वाली है। रिसॉर्ट और फार्म भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो मेरा गांव मेरा देश का ये पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, और अलग अलग यूनिक यूनिक सी एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इस साइड में चलते हैं और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है, यहाँ पर उनको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा लग रहा है सर। क्या एंजॉय किया आपने यहाँ पर? यहाँ अच्छा एंजॉय है, अच्छा वो है, खाना भी अच्छा है, देखने के लिए भी अच्छे हैं, भाईचारा है जो भी अच्छा है, बाजरे की रोटी है, बिल्कुल सिंपल चटनी है, सिंपल खाना है, जो पहले देसी खाना होया करता उसका कल्चर है जी। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर? बहुत अच्छा रहा जी। क्या खाया अभी? मैंने खाने में मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्खन घी और जी अपने लहसुन की चटनी, हरी चटनी मतलब देसी खाना, बिल्कुल देसी खाना है जी। मिलने वाला काफी आप एंजॉय करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, चूल्हे का मिला जी, बिल्कुल जैसे घर पे खाते ऐसे ही, कोई गैस का नहीं, कोई भट्टी का नहीं, कोई कुछ। मेरा गांव मेरा देश के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं। यहां पर आपको चक्कीस वगैरह की एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिल पाएगी, तो चक्की वगैरह चला सकते हैं और हरियाणवी ड्रेस, कलरफुल ड्रेस पहन सकते हैं। तो सामने देख पा रहे हैं आप जो गांव में दूध बिलोते हैं उस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और यहाँ सामने चल रहा है चरखा, तो ये सब एक्टिविटीज़ काफ़ी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रही है। और इस साइड में देखेंगे तो आपको मेहंदी की एक्टिविटीज़ वगैरह ये भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ मेहंदी की एक्टिविटी चल रही है और ये सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर आकर परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी और भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उनको भी आप इंजॉय करने वाले हैं। मेरा गांव मेरा देश का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और इस साइड में आप जाएंगे तो और भी पपिट शो वगैरह, काफ़ी अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो अवेलेबल है।